स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं ओ लेवल में चौथा पेपर जो है जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इस पेपर में हम लोग बात करेंगे उस पार्ट की जिसको नैलेट ने इस बार से जोड़ना शुरू किया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले तो कुछ पेपर देख लीजिए, ओल्ड पेपर्स, क्योंकि पहले क्या होते थे, पहले जो पेपर्स आते थे वो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव हुआ करते थे। सब्जेक्टिव पेपर्स में आपको प्रोग्रामिंग जो आती थी, सी लैंग्वेज जो कि आपके आईओटी पेपर में थी, वो बड़े क्वेश्चंस आते थे जो 10-12 हम लोग बच्चों को बता देते थे। अब जब अगर आप लोग नीलिट के एग्जाम्स को देखेंगे आईओटी में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सी प्रोग्रामिंग के छोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जैसे ये रहा आपका, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सी प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि इसका आउटपुट कोड पता करिए। तो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर लूपिंग अच्छे से आती है। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आप लोगों के सी पर बेस्ड हैं, लेकिन ये आईओटी के अंतर्गत आने के कारण एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सी में मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे देते हैं, उस पर भी आधारित है क्वेश्चन। आपको मैं और दिखा देता हूं कि किस तरीके के सी के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। इसीलिए सी पढ़ना अब हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो गया, लेकिन इतनी टफ नहीं आती। जो इसमें सी आ रही है वो बहुत ही नॉमिनल सी आ रही है। जैसे आपको अब ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे 73 एंड 75, ये आईओटी का यूज किया गया है लेकिन सी लैंग्वेज की मदद से बनाया गया, और ये प्योरली सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि आउटपुट बताइए। यहां पर हम सीरियल डॉट प्रिंट जो देख रहे हैं, ये आईओटी के जो आप लोगों का सीरियल आउटपुट प्रिंटर होते हैं या फिर स्क्रीन होती है उस पर आउटपुट निकालने के यूज किया जाता है। तो इसको देखते हुए मैं आपको पहले सी लैंग्वेज बताने जा रहा हूं। आप लोग हमारा एप्लीकेशन खोलेंगे और एप्लीकेशन से सर्च करेंगे आप लोग आईओटी वाला, तो आईओटी के अंदर आप लोगों को जुलाई 23 का एक बैच फोल्डर मैंने बना दिया है और इसमें सी के बहुत ही बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को M4R5 का आईओटी का वीडियो सेक्शंस हैं, ये थ्योरी के हैं सारे सवाल, आपको ये जरूर पढ़ने चाहिए। चलिए पहले हम लोग सी के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज मैं आप लोगों को सी का एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें कि आपको बताना है रमेश की बेसिक सैलरी इनपुट करनी है। अभी मैं इनपुट वाला कमांड नहीं बता रहा, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं कि रमेश की बेसिक सैलरी आपको बतानी है और उसके आधार पे डीए निकल आएगा 40%, एचआरए निकल आएगा 20% और आपको टोटल ग्रॉस सैलरी निकालनी है। इसको मोटा मोटा हम लोग इस तरीके से देख लें कि मान लेते हैं रमेश की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उसके बाद डीए निकालना है, डीए कितना परसेंट है, 40% है, और एचआरए कितना है, 20% है। क्लियर हो गया? और आपको नेट निकालना है, नेट कैसे निकलेगा, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, ये मोटा मोटा आपका कैलकुलेशन है। हाँ, अभी ये जो 18,000 है ये यूजर ने सीधा हम लोगों ने टाइप कर दिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये टाइप ना किए जाए, यूजर खुद ही बताए, तो इसके लिए आप लोग एक आगे कमांड पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट। यूजर इनपुट करेगा एक वैल्यू जो कंप्यूटर आपसे मांगेगा, उसके आधार पे डीए एचआरए सब निकलेगा। पहले इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बना के देखते हैं जो बहुत ही मिनिमम से तैयार हो जाएगा। तो सी हम लोगों ने खोल ली, हम लोग एक नया फ्रेश सोर्स ले लेते हैं। अभी आपको अगर इधर उधर की चीजें नहीं पता तो आप वो सब चीजें छोड़ दीजिए, सिर्फ उतना कर लीजिए जिससे आप एक प्रोग्राम बनाना चालू कर देंगे। आपको सबसे पहले दो हेडर फाइल डालनी है। कौन कौन सी डालनी है, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट और कोनियो, एक दोनों हेडर फाइल है, इसके बिना सी काम नहीं करता है। और उसके बाद फिर आपको यहां पर एक मेन फंक्शन बनाना है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखेंगे वही आपका प्रोग्राम होगा। तो ये तो आपके हर प्रोग्राम की शुरुआत में रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज, अब हमारे प्रोग्राम में सबसे पहली लाइन होती है डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन में अभी जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें बताइए कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ रही है। एक तो हमें चाहिए बेसिक, दूसरा एचआरए, और फिर डीए, और फिर नेट, यही सारी चीजें तो चाहिए। बेसिक सैलरी मान लीजिए हमने 6,000 रुपए डाल दी है, तो ये हमने 6,000 रुपीज बेसिक सैलरी डाल दी। क्वेश्चन में बताइए डीए कितना था,
तो बेसिक का 40% कैसे निकालते हैं, बेसिक इंटू 40/100 यही तो होता है, और फिर एचआरए कितना था, तो 20% बेसिक का कैसे निकालेंगे, सेमीकोलन भूलिएगा नहीं, नेट क्या होगा, ठीक है। अब और उसके बाद नेट निकल गया, क्या नेट प्रिंट भी हो जाएगा, इसके लिए हमें एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी प्रिंट एफ, और ये परसेंट डी लिखना जरूरी होता है, ये शो करता है कि इंटीजर चीज प्रिंट हो, और अगर मैंने यहां पे लिख दिया नेट, तो नेट की इंटीजर वैल्यू यहां प्रिंट हो जाएगी। याद रखिएगा ये प्रिंट एफ कमांड है जो कि इसके अंदर गई लिखी गई चीज की वैल्यू प्रिंट कर देता है। और अब हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, यहां पर हम लोगों ने कोई नाम दे दिया प्रोग्राम का, डॉट सी लगा दीजिएगा, तो ये सी के कंपाइलर फॉर्म में सेव हो जाएगी। और अब हम लोग सबसे पहला काम कंपाइल एंड रन करेंगे, कंपाइल एंड रन करने के बाद वो पहले कंपाइल करेगा, सब कुछ सही होगी तो उसके बाद स्क्रीन पर देखिए रन हो गया, और आपकी स्क्रीन पर टोटल निकल कर आ गया 9600। तो 9600 आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये अभी मजेदार नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें ये पता ही नहीं 9600 क्या है, तो हम लोग इसके अंदर ये लिख देंगे नेट सैलरी इक्वल टू। इस चीज से लिखने से क्या होगा, नेट सैलरी लिख भी जाएगा, और उसके आगे यहां परसेंट डी नहीं लिखेगा, उसकी जगह क्या लिखेगा, नेट की वैल्यू। अगर मैं डी की जगह एफ लिख देता हूं, ये फ्लोट दिखाने लगेगा, ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो अब हम लोग इसको रन कराते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेट सैलरी आ रही है, लेकिन यहां सब 00 आ रही है। मैंने परसेंट एफ कर दिया, कारण ये था क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया है नेट को इंटीजर, और प्रिंट कर रहा हूं मैं फ्लोट, तो ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसीलिए मेरे को यहां पे परसेंट डी लिखना पड़ेगा। और अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारा का सारा आपका आउटपुट नेट सैलरी इक्वल टू इतना लिखकर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट्स में एग्जैक्ट वैल्यू आए, तो यहां इंटीजर लिखा है उसकी जगह आप चेंज करके क्या कर दें, फ्लोट वैल्यूज, तो हमारा डेटा सारा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है पॉइंट्स में आउटपुट आपके दिखेंगे अभी, और अब मैं आपको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज पॉइंट्स में आ रही है, क्लियर हो गया। अब आप लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करिए, और प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि लिखकर आए बकायदा योर सैलरी, ये लिखकर आए, उसके बाद नीचे लिखा हो बेसिक आपकी इतनी है, एचआरए इतना है, और डीए इतना है, और नेट इतना है, यानी ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो। तो हमें एक नहीं 5 स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है, कुछ ऐसा करना है आपको, तो कोशिश करिए और इसको बना के दिखाइए।